क्वेश्चंस है जिससे कि हम जान सकते हैं कि हमें है कि नहीं है। मतलब एक होता है कि पॉइंट जैसे हमें है कि नहीं है, चार तरीके हैं उसके, होती है नाक से पानी बहेगा और उसके बाद वो तेज बुखार रहेगा, चारों लक्षण आप में पाए जाते हैं, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास संपर्क करें और उससे अपने कोरोना वायरस का जांच करवाएं। अगर आपको पॉजिटिव पाया जाता है तो आप अपने चाहने वालों से और परिवारों से थोड़ा दूर रहें, नजदीकियां न बनाएं और 14 दिनों तक हॉस्पिटल में लेकर आए जिसके द्वारा हम कोरोना वायरस के बारे में जितना हो सकता है जागरूक कर रहे हैं। आज हम बस स्टैंड पर एक जागरूकता अभियान कर रहे हैं, हम कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहते हैं क्योंकि भारत सरकार ने एक महामारी घोषित की है। हम चाहते हैं कि जितने लोग इसके बारे में जागरूक हो और कम से कम रोगग्रस्त हो। आज श्री अजमेर व्यापार महासंघ के तत्वाधान में हमने कबीर मार्ग व्यापारी के संघ के बैनर तले कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है उसके अंतर्गत हमने अपने मार्केट के अंदर कोरोना वायरस की से सुरक्षा के लिए मास्क बांटे गए और लोगों को यह संदेश दिया कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली अपनी सुरक्षा बनाए रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें और उससे समुचित जो उपाय हैं वो सारे उपाय करें बचने के। कितने मास्क बांटे गए आज? हमने आज करीब 30 से 40 मास्क बांटे हैं। इसके अंतर्गत अजमेर व्यापार महासंघ के संरक्षक श्री मोहनलाल जी शर्मा, महासचिव रमेश जी लालवानी, कबीर मार्ग व्यापारी संघ की महासचिव आशी अग्रवाल, संरक्षक प्रमोद जी भंडारी, कार्यवाहक अध्यक्ष ललित जैन, सचिन संदीप जैन, आशीष जैन आदि पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद थे। मैं राजीव निराला, अध्यक्ष कबीर मार्ग व्यापारी एसोसिएशन। आज कोरोना वायरस को देखते हुए न्यायालय जुडिशल ने एक आदेश निकाला था कि 31 तारीख तक किसी भी प्रकार का कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा, सारा कार्य स्थगन कर दिए गए हैं। आज की जो तारीखें हैं वो आगे चले जाएंगी, पर कुछ लोगों की भ्रामृति होने की वजह से आज केंद्र सरकार में राज्य सरकार दोनों ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि भीड़ नहीं करनी है और किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पर इस तरीके के वायरस होने की संभावना हो, क्योंकि भीड़ जहाँ होगी वहीं पे संभावना होगी। इसलिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार व जुडिशल ने एक संयुक्त रूप से एक आदेश निकाला कि 31 मार्च तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जुडिशल का नहीं होगा, जो भी कार्य होंगे उसके आगे की आगामी तारीख 15 अप्रैल से मानी जाएगी। उसके बाद भी पब्लिक आ रही है और वो अडामेंसी ये कर रही है कि हमें जाने दो, जबकि अंदर काम नहीं हो रहा है। हमारे सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना करें, आप किसी भी भीड़ वाले स्थान पर ना जाएँ। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के जो भी आदेश हुए उन आदेशों की पालना सख्ती से की जाए। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अपने देश हिंदुस्तान ने, राजस्थान सरकार ने, हमारे सीएम गहलोत साहब ने, उप मुख्यमंत्री पायलट साहब ने, सब जगह ने इसको एक भयंकर महामारी घोषित किया है और इसको देखते हुए वायरस कोरोना वायरस को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट ने भी 31 मार्च तक सारी अदालतों के अंदर केवल इफेक्टिव हियरिंग होगी, तारीखें जनरल डेट हो जाएगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और तारीखें अपना आप हो जाएगी, किसी की जमानत जब्त नहीं होगी, आगे तारीखें ऑटोमेटिक जारी है और कोरोना वायरस से बचने के लिए भीड़ भाड़ स्थानों पर नहीं जाए। सभी से मैं अपील करता हूं कि इसकी कोरोना की गंभीरता को देखते हैं, चूँकि पूरे गवर्नमेंट भी इसमें लगी हुई है, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, आम जन की, पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है कि इसकी गंभीरता को समझे और इसको फैलने से रोके। इसी संदर्भ में डीजे साहब से कल हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे जिला सत्र न्यायाधीश से, उन्होंने हमसे भी कहा था कि भाई वो तो अपने प्रयास कर ही रहे हैं, साथ में वकील लोग भी इसमें प्रयास करें। आज चूंकि अब 15 अप्रैल तक ये कॉमन डेटे रहेगी, कोई किसी क्लाइंट का कोई काम ही नहीं है कोर्ट में, डेटे अपने आप हो रही है, वकीलों का कोई काम नहीं है, वकील सिर्फ आते हैं जिनका अर्जेंट मैटर होता है, बेले होती है, रिमांड होता है। तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट आ रहे हैं, कई जने उधम मचा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि भाई क्या है, तो उनको हम समझा रहे हैं प्यार से कि ऐसा कुछ नहीं, आपकी डेटे मिल जाएगी, आपका संबंधित जो वकील है आप उससे संपर्क करें, आपको डेट अगली मिल जाएगी, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है। चंदन निवास यहाँ पे हर कोई भी मुसीबत इंडिया पे आती है तो ये अपना पूरा सहयोग करते हैं और इस काढ़े की विशेषता यह है कि इसका जो है वर्ल्ड भी मान रहा है कि आयुर्वेदिक में कुछ ताकत है और मैं लगातार 3 दिन से जो है यहाँ पर आ रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए और
मैंने बनाने के लिए भी घर से यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं कि आप नहीं आ सकते हो तो घर पे भी आप आधे घंटे में काढ़ा बना करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो और दूसरों को भी सुरक्षित। आपका नाम? दिनेश मेहरा। ठीक है। उन्होंने ये जो काढ़ा वितरण का प्रोग्राम रखा है जिसमें ये सारे जो लोग यहाँ से आगरा गेट से संबंधित और नीचे से जा रहे हैं पृथ्वीराज नगर तक जितने भी लोग बाग हैं सारे यहाँ ग्रुप के काढ़े पी रहे हैं उसका असर भी है, इसलिए काढ़ा वितरण का आज प्रोग्राम रखा गया है इनकी ये जो चंडा निवास जो है इसकी तरफ से। पब्लिक है सब बहुत है। हाँ, पब्लिक को सब जितनी भी ये पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, सुन रही है, लोग बाग जागरूक हो रहे हैं। ये हमेशा यहाँ जो ये प्रोग्राम चलता है 12 महीने में कोई ना कोई प्रोग्राम मतलब इनका आता है तो देते हैं प्रोग्राम। ये सिर्फ नाम बताओ। शमसुद्दीन निवास रोजगार में काढ़े का 3rd दिन है और हम जन सहयोग से और इसको आगे जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये बचाव ही उपचार काढ़ा रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, पब्लिक का रुझान भी खूब है और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को निवेदन भी कर रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं कि अपने रिश्तेदार परिवार को यहाँ लाएं काढ़ा पिलाएं, भीड़ भाड़ के भीड़ भाड़ में नहीं जाए। आपने कुछ मोहल्लों के अंदर भी कुछ सुविधा वगैरह करी है काढ़े की? अभी हमारे हमने महोदय कहा है टीमें बनाई हैं जो स्वयंसेवी संस्थाएँ विकास समितियाँ जो हैं अपने अपने क्षेत्र में लगवाना चाहती हैं उनके लिए व्यवस्था कर रही है। ये घरों में ले जाने के लिए कोई सुखा नहीं? घरों में ले जाने के लिए यहाँ ताज़ा मिलाते हैं, यहाँ जो जहाँ बन रहा हो वहाँ ताज़ा पियो ना, घर पे जो व्यवस्था यहाँ डेडिकेटेड पीछे जो बनता है वो घर पर नहीं बन पाएगा। जो पब्लिक घर से नहीं निकल पा रही है, बच्चे वगैरह नहीं आ पाते हैं, उनके लिए हम सुखा नहीं जाते, सूखे की व्यवस्था करवा देते हैं। बिल्कुल सर, इसके घर पे बनाने की विधि थोड़ी बता देते टाइम समझा के आपका। ठीक है, मैं वैसे घंटे।